जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे, नाज़ोर दिल पे चले। दुनिया में पता नहीं लगता कब किससे प्रेम हो जाता है, और प्रेम से पहले शायद वो हमारे लिए कहीं अहमियत ना रखता हो। खड़ा है तो खड़ा है, जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन जब प्रेम हो जाता है ना, और जब पता लगता है वो दो दिन से भूखा है, क्या बात है, तो जो दो दिन हमने खाया होता है अपने ऊपर गुस्सा आता है, पागल था क्या? कैसे कहूँ तू है मेरा, कैसे कहूँ तू है मेरा, जो कुछ मेरा वो है तेरा, जो कुछ मेरा वो है तेरा। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, नहीं है समझ कुछ मुझे। हरे 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 आनंद आया। देखो मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया गाकर नहीं सुनकर, क्योंकि बहुत कम कीर्तन होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। और शीतल भाई का तो मैं बचपन से फैन हूं। इतनी उम्र हो गई मेरी। अरे यही तो बता रहा हूँ, ना देना चाहे कुबेर का धन। और मैं आपका, मैं अपने ठाकुर का, मैं कन्हैया का तब से फैन हूं जब मैं माँ के पेट में था। कभी अपना बना लिया, कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी अपना बना लिया, कभी बंधन छुड़ा लिया। जब ग्यारस पे खाटू जाते हैं तो बोलते जाते हैं अपना बना लिया, और जब वापस आते हैं कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी अपना बना लिया, कभी बंधन छुड़ा लिया। सवरिया हो भक्ति का कैसा सिला दिया, कैसा सिला दिया भक्ति का कैसा सिला दिया। सांवरिया तू इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। ओ मेरे बाबा तू इतना
क्या हुआ है, मुंबई के गमित भैया है, मैं ट्रेन में जा रहा था तो मेरे को तब समझ में आया कि भाई बाबा क्या है। इसकी भजन की एक लाइन है, ये मेरी सीडी में भी रिकॉर्ड है, और वो लाइन सुनना। तूने छोड़ा जो बाबा मैं जी नहीं पाऊंगा, तूने छोड़ा जो मैं जी नहीं पाऊंगा, तेरा नाम ले लेकर मैं तो मर जाऊंगा, तेरा नाम ले लेकर मैं तो मर जाऊंगा। मेरे को समझ में ये बात था भाई, मैं कन्हैया भाई ट्रेन में जा रहा था, जब से मैंने होश संभाला है, जब से होश संभाला तब से ठाकुर जी की सेवा में हूं। सामने सीट पर एक भाई बैठा था मेरी, थोड़ा सफर भी था, उसने मुझसे कहा शीतल भाई क्या करते हो? मैंने कहा भाई साहब भजन गाता हूं। कहने लगे भजन गाना तो ठीक है लेकिन काम क्या करते हो? मैंने कहा भजन गाता हूं। कह रहे बहुत अच्छी बात है, धर्म करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, लेकिन करते क्या हो, करते क्या हो, काम क्या है? मैंने कहा यार मेरा काम ही भजन गाना है और कोई दूसरा काम ही नहीं। उस दिन आप विश्वास मानेंगे, दो घंटे तक अपर बर्थ पर बैठा बैठा मैं यही सोचता रहा यार हमारा काम क्या है। जब से मैंने होश संभाला तब से आज तक किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा बेटा पापा क्या करते हैं, हमेशा मुझसे लोगों ने यही पूछा आप क्या करते हो। तो मेरे मन में विचार आया प्रभु मैं तो आपकी सेवा के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं, और मैं कन्हैया थोड़ी हूँ सैटरडे संडे ही प्रोग्राम करूंगा, मैं तो ऐसा भी नहीं हूं, मेरे को जब आप बुलाओगे तब जाऊंगा क्योंकि मेरा काम है यही, मैं तो यही काम करता हूं। और ठाकुर एक बात बताओ, अगर आपने मुझे अपनी सेवा से दूर कर दिया तो मेरा होगा क्या? इतना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर भी नहीं दिया आपने कि कहीं सेवा कर लूं, और 5,000 रुपए महीने की नौकरी पे भी नहीं रखेगा राजेंद्र भाई कोई? अगर मैं कल को आपके पास आऊं क्या शीतल भाई करोगे क्या यार आप? ये ट्रैक्टर पे बिठा देंगे और बोलेंगे ब्रेक लगा के करोगे क्या आप? समझ में वो भी तो नहीं लगेंगे साहब, उसके लिए तो भजन चाहिए, वो भी नहीं है। फिर मैंने बाबा को हाथ जोड़े, विनय भाई मैंने बाबा को बोला कि बाबा देख आजकल वैसे भी रिसेशन का जमाना है, हर जगह छटनी हो रही है, आप 2-4-5 हजार कम ही दे देना कोई बात नहीं है, लेकिन रखना चरणों में ही। तूने छोड़ा जो बाबा मैं जी नहीं पाऊंगा, तेरा नाम ले गए मैं तो मर जाऊंगा, तेरा नाम ले ले गए मैं तो मर जाऊंगा, जो भूल हुई मुझसे वो माफ भी करना गे, जो भूल हुई मुझसे वो माफ करना गे। क्योंकि मुझे मालूम है बाबा मैं गलतियों का पुतला हूँ, इंसान अगर गलती नहीं करे तो इंसान कहाँ से रहेगा? गलतियों के हम हैं पुतले, क्या करेगा सर? गलतियों का जोर है, क्या बात, संभाल कर रखना मेरे सांवरे, तेरा दास अति कमजोर है। दोनों हाथ सुनो, एक भजन मुझे 4 बार मुझे इस भजन की पर्ची आ गई है, सुनिए। दीनानाथ मेरे बाप जाने को नहीं तेरे से, आपको एक भजन की खासियत बताता हूं, आदरणीय गुरुजी बताते हैं उसको दीनानाथ, आदरणीय भारद्वाज जी के हमने ये भजन गाया था, दीनानाथ मेरी बात छानी कोणी तेरे से। जिनको मारवाड़ी समझ में आती है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं आती मैं उनको बताऊं, इस भजन के शब्द गए दीनानाथ मेरी बात छानी कोणी तेरे से, आखड़ ली चुरा के बाबा जासी कटे मेरे से। हे प्रभु हे दीनों के नाथ, मैं सारी दुनिया से अपने बुरे और अच्छे कर्म छुपा सकता हूँ, मैं इस हाथ से कर्म को करूँ इस हाथ से छुपा सकता हूँ, इसको भी नहीं पता होने दूँ, लेकिन मेरे ठाकुर जब मैं आपके सामने आऊँगा आपसे नजरें मिलाते ही कैसे छुपा लूँगा? आप कण कण के जानते हैं, आपको सबका पता है, अंतर्यामी आपको कहा जाता है, आपसे कैसे छुपा लूँगा मैं? आप मेरी हर दशा को जानते हो, दुनिया जानती हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, दुनिया जानती हो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन प्रभु आपको मालूम है कि मैं कैसा हूँ, आपको पता है मैं कैसा हूँ। एक बार ऐसा एकदम शून्य भाव, एकदम जीरो होकर भगवान के चरणों में बोल कर देखना बाबा। दीनानाथ मेरी बात छान
आखड़ली चूरा के बाबा जासी कटे मेरे से खाटू वाड़ो शाम थारी शरण में आ गयो खाटू वाड़ा लोग यहाँ पर गुणी बैठे हैं, लेकिन मैं आपको अपना एक अनुभव बता दूं। जब भी ठाकुर के दरबार जाना ना, जब भी बाबा के दरबार जाना, ऐसे हाथ जोड़ना, कहना बाबा देख मेरे से जीवन में तुम कुछ भी कराना, अच्छा कराना बुरा कराना, लेकिन ठाकुर कभी मेरी परीक्षा मत लेना। बस आप मेरी परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि मुझे मालूम है मैं ऐसा हूं ही नहीं। आज तक हर परीक्षा में मैं फेल होता आया हूं प्रभु, आपकी परीक्षा में मैं कैसे पास हो जाऊंगा। सब कुछ करना, लेकिन इस दास की कभी परीक्षा मत करना। और हमेशा बोलना बाबा को, बाबा बालक हूं मैं तेरो श्याम मुझको निभाले, बालक हूं मैं तेरो श्याम मुझको निभाले, दुखड़ों को मारो मन को निभाले, मुझको निभाले, दुखड़ों को मारो मन ने काड़ जे लगाले, पथ दिखला दे बाबा काढ़ ले अंधेरे से, पथ दिखला आखड़ी चूरा के बाबा जा।